आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ व्रत में खाने वाली। आलू को मैंने बॉईल करके छील लिया है, अब इसको मैश कर दूंगी। आलू मैश हो गए हैं, अब इसमें सेंधा नमक डालूंगी, थोड़ी काली मिर्ची। मसाले आप अपने हिसाब से डालिए और कुछ जो खाते हैं। बहुत लोग इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची भी डालते हैं, हम लोग नहीं डालते हैं। हम लोग सिर्फ नमक और सेंधा नमक और काली मिर्ची डालते हैं बस। अब इसको मिक्स करके इसकी टिकिया बना देंगे। अब हाथ में ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी टिकिया बना देंगे। देखिए टिकिया सब बन गई है। अब मैं टिकिया के लिए ये कुट्टू के आटे का घोल बना रही हूँ। आधी कटोरी कुट्टू का आटा है, इसमें नमक डाल दिया, काली मिर्ची डाल दी। इसका घोल बनाएंगे पानी डाल के, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा गीला ही घोल बनाएंगे। देखिए घोल बन गया, मैंने गैस चला दिया है, कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं ये कुट्टू की चॉप को फ्राई कर रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं ये टिकिया को फ्राई करूँगी। इस घोल में चॉप को डाल दिया, इसमें लस्सा बहुत होता है, लेकिन इसकी खाने में बहुत अच्छी लगती है चॉप। इसी तरह सबको डाल देंगे। अब इसको पलटेंगे, एक साइड से हो जाएगी। तो एक साइड से हो गई है, अब इसको पलट देंगे। इसको उलट पलट करते रहेंगे, दोनों साइड से सिक जाएंगी, फिर इसको निकाल देंगे। देखिए लाल हो गई है, अब इसको मैं निकाल दूंगी। टिश्यू पेपर पे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो निकल जाएगा। इसी तरह सबको फ्राई कर देंगे। देखिए इसी तरह सबको फ्राई कर देंगे, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए टिकिया सब बन गई, कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग भी बनाइए, खाइए और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। इधर से भी बहुत अच्छी लगती है, देखिए एकदम सॉफ्ट, ऊपर से बिल्कुल कुरकुरी। चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। देखिए इसके साथ मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।